जो 62% नंबर मिले हैं मुझे, इससे मेरा मेरा सपनों का जो कॉलेज है, जो मेरी ड्रीम कॉलेज है जिसको मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, वो मुझे अब काफ़ी दूर दिखाई दे रहा है। चूँकि IIT कॉलेज जो है वो कम से कम 75% नंबर हमसे डिमांड करती है, जो मुझे CBSE बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसका मैं कैपेबल भी हूँ। बीते शुक्रवार को CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया था। CBSE की आधिकारिक वेबसाइट की माने तो 99% से अधिक बच्चे इस बार एग्जाम में पास हुए हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि कोरोना महामारी के चलते इस बार CBSE बोर्ड ने एग्जाम नहीं लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोला था कि बच्चों का रिजल्ट 10th, 11th और 12th में हुए इंटरनल एग्जाम के आधार पर बनाया जाएगा। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सूरज, जो कि 10वीं के एग्जाम में 90% से अधिक अंक अर्जित किए थे। 11th में भी ये बता रहे हैं कि इन्होंने 90% से अधिक अंक अर्जित किया था और 12th के एग्जाम में भी इनके नंबर अच्छे थे। लेकिन इस बार जो इनके 12th के फाइनल रिजल्ट बने हैं, उसमें इनका नंबर मात्र 62% है। आइए अब मिलते हैं सूरज से, जो बताएंगे कि उन्हें इंटर के एग्जाम में कैसे इतना कम नंबर मिला। सूरज, सबसे पहले तो आपका यूपी फर्स्ट चैनल में स्वागत है, और साथ ही आप पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। जी देखिए, मेरा नाम सूरज सिंह है और मैं देवरिया के कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल का छात्र हूँ, और मुझे क्लास 12th बोर्ड में सिर्फ 62.4% मार्क्स दिए गए हैं। और बता दूँ मैं आप सबको कि क्लास 10th में मुझे 93.4% मार्क्स दिए गए थे, और क्लास 11th में भी मुझे स्कूल के द्वारा 92% मार्क्स मिले थे, और क्लास 12th के इंटरनल एग्जामिनेशन में भी मेरा नंबर काफ़ी अच्छा गया था। और बता दूं मैं आपको कि मैंने अभी हाल ही में हुए IIT JEE के मेंस का भी एग्जामिनेशन मैंने दिया था, जिसमें मैंने 90.4% स्कोर करा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि CBSE और स्कूल के द्वारा किस तरह से मार्किंग की गई है कि मुझे सिर्फ 62.4% मार्क्स ही दिए गए हैं। आपको मैं बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ तौर पे कहा था कि जो बच्चों का रिजल्ट बनाया जाएगा उसमें 10वीं का 30% नंबर का ख्याल रखा जाएगा, 11th का भी 30% नंबर दिया जाएगा, और जो 12th के इंटरनल एग्जाम होंगे उसको 40% रखा जाएगा। इस तरह से मिला के 100% नंबर में से बच्चों को नंबर दिया जाएगा। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो लड़का 10th के एग्जाम में 90% से अधिक नंबर लेके आया था, 11th के एग्जाम में भी 90% से अधिक नंबर लेके आया था, और इंटरनल एग्जाम में भी अच्छा नंबर लेके आया था, उसका मात्र 63% नंबर कैसे हो सकता है? ये सवाल जानना बहुत अहम हो जाता है। और साथ ही सूरज ये भी बता रहे हैं कि ये IIT का एग्जाम दिए थे जिसमें ये 90 परसेंटाइल नंबर लेकर आए थे। अब आगे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सूरज, अब आगे आप क्या करने वाले हैं। देखिए, CBSE ने हमें ऑप्शन दिया है कि हम री एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे री एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, क्योंकि CBSE ने बाकी सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। परंतु आप सबको पता ही होगा कि CBSE का जो री एग्ज़ाम है वो 16 अगस्त से होने वाला है, तो ये जो 15 दिनों का अंतराल दिया गया है हमारी प्रिपरेशन के लिए, वो 5 सब्जेक्ट के हिसाब से काफ़ी कम है। 5 सब्जेक्ट में बोर्ड की पूरी सिलेबस का रिवीजन करना 15 दिन में, ये काफ़ी मुश्किल कार्य है। परंतु मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं नंबर में कुछ सुधार ला सकूँ। लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बात कह दिया था कि अगर आप अपने नंबर से संतुष्ट नहीं होंगे तो आप एग्जाम देने के लिए इलिजिबल होंगे, आप एग्जाम दे सकते हैं, तो आपको इसकी तैयारी पहले से नहीं करनी चाहिए थी। देखिए, जिस स्टूडेंट का 10th में मार्क्स 93.4% हो, क्लास 11th में वो 92% स्कोर करे, क्लास 12th के इंटरनल एग्जामिनेशन में उसका मार्क्स अच्छा हो, तो वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसका मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 62% रहेगा। मैं मान के चल रहा था कि अगर स्कूल और CBSE कितना भी भेदभाव करती है, कितने भी मार्क्स में कटौती करती है, तो वो खींच खाँच के मुझे 85% तक ले जा सकती है, जिससे कम से कम मैं जो अपना ड्रीम कॉलेज, जो मैं IIT को प्राप्त करना चाहता हूँ, उसमें कोई बाधा नहीं आएगा। परंतु 62% मार्क्स देकर CBSE ने मेरे एक तरह से करियर के साथ खिलवाड़ किया है। आप
इस चीज को एक बार सोचने की कोशिश करिएगा, वो लड़का इस समय कितने दर्द में होगा जो लड़के का सपना आईआईटी कॉलेज को पाना था। जो लड़का 10th में 90% से अंक से अधिक नंबर अर्जित करता है, उसका सपना तो ये जरूर होगा कि इंटरनल एग्जाम और 11th के एग्जाम को मिलाकर CBSE उसे कम से कम 80% से अधिक नंबर दे, जैसा कि सूरज बता रहे हैं। आपको साथ ही IIT का एक और नियम बता देते हैं कि इंटर के एग्जाम में अगर आप 75% से अधिक नंबर नहीं पाते हैं तो आप IIT कॉलेज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो कि IIT का एक नियम है। सूरज, अब आपको 75% से अधिक नंबर नहीं मिले हैं, आगे आप क्या करेंगे? देखिए, मैं री एग्ज़ाम देने की कोशिश करूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं कम से कम 75% मार्क्स स्कोर करूं, जिसके कारण मेरा करियर जो है वो सिक्योर रहे। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहूंगा कि जो CBSE के द्वारा हमें टाइम लाइन दिया गया है, उसमें ये मेंशन किया गया है कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में ये बोर्ड के पांचों एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा कि NTA का ये डिसीज़न है कि इस बारी जो एडवांस का एग्ज़ाम है वो 3 अक्टूबर को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब मैं आप सबसे ये जानना चाहूँगा कि 15 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में जो 18 दिन का अंतराल है, उसमें कोई लड़का एडवांस की तैयारी कैसे कर सकता है, एडवांस का रिविज़न कैसे कर सकता है और वो अपना जो बेस्ट आउटपुट देना चाहता है वो कैसे देगा? सूरज की ये कहानी बहुत दुख भरी है। आप इस चीज़ को एक बार खुद पे लागू करके देखिएगा, आप इसको अपने ऊपर लेके एक बार देखिएगा, आपको कैसा महसूस होगा आप ये कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा हमें। और सूरज, एक और बात, मैं आपसे यहाँ पे एक वादा लेना चाहूँगा, वादा इस बात का कि आप इंटर के एग्ज़ाम में 75% से अधिक नंबर अर्जित करेंगे और आप IIT एडवांस के एग्ज़ाम में बैठेंगे और आप IIT क्वालिफाई करने की कोशिश एटलीस्ट ज़रूर करेंगे। जी देखिए, मैं आप सभी को ये वादा देता हूँ कि मैं मुझे बोर्ड में जो मार्क्स प्रोवाइड किए गए हैं, मैं उनको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं अपनी जी जान लगा दूँगा इसके लिए और मैं प्रयास करूँगा कि मेरा कम से कम 75% मार्क्स आ जाए, जिसके कारण मैं इन फ्यूचर भी IIT के अंदर एडमिशन प्राप्त करने की कोशिश कर सकूँ। और रही बात इस साल एडवांस क्रैक करके IIT में जाने की, तो उसका भी मैं अपने तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा। परंतु CBSE ने जो हमारे साथ कम नंबर देकर जो खिलवाड़ किया है, मुझे फिर से CBSE बोर्ड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके कारण कहीं ना कहीं मेरे सपनों के बीच में एक दखल अंदाजी की गई है, जिसके कारण मैं जो आउटपुट दे सकता हूं वो इस बार शायद ना दे पाऊँ। परंतु मैं अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करूँगा कि मैं इसी बारी अच्छा स्कोर करके अपने करियर को सुरक्षित कर सकूं। तो ये सूरज हैं, सूरज हमें बता रहे थे कि आने वाले समय में वो री एग्जाम देंगे। CBSE ने जैसा बोला था कि अगर आपको अपने जो CBSE के द्वारा नंबर जारी किया गया है, अगर आप उससे संतुष्ट नहीं हैं तो आप री एग्जाम दे सकते हैं। सूरज री एग्जाम देंगे, उसके बाद इनका ये वादा है कि ये 75% से अधिक नंबर पाएंगे और साथ ही ये IIT एग्जाम में बैठेंगे।